वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास टेंथ के केमिस्ट्री के चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके सीबीएसई 2021 के बोर्ड एग्जाम्स के सिलेबस में होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सेट फर्स्ट, पेज नंबर 61। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, What would be the electron dot structure of carbon dioxide which has the formula of CO2? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी, 2.4। तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी, 2.6, और इसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम लोगों को पहले से ही पता है स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर हम लोग देखें तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो ऑक्सीजन को स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये कार्बन स्टूडेंट्स इस ऑक्सीजन से क्या कहेगा कि यार तुम हमें अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दो शेयरिंग के लिए, और इससे भी क्या कहेगा कि तुम हमें अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दो शेयरिंग के लिए, तो हमारी क्या हो जाएगी, तो हमारी ऑक्टेट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। अब ये ऑक्सीजन क्या कहेगा इस कार्बन से कि तुम भी हमें अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दो तो हम भी क्या हो जाएं, स्टेबल हो जाएं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो 4 इलेक्ट्रॉन की स्टूडेंट्स जब शेयरिंग होती है तो हमारा क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। और सिमिलरली यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को सल्फर का जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, और यहाँ पे हम लोगों को दे दिया गया है कि सल्फर का जो स्टूडेंट्स एक मॉलिक्यूल है वो सल्फर के 8 एटम से मिलके बनता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी, 2.8.6, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी स्टेबल होने के लिए। तो सल्फर का एक मॉलिक्यूल जो है स्टूडेंट्स 8 एटम से मिलकर बन रहा है, तो हम लोग सल्फर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में स्टूडेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर देंगे। हम लोगों को 6 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करने हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम लोगों का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सभी सल्फर के पास जो हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे हमारे। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे ये वाला सल्फर क्या करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा स्टूडेंट्स और एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। तो देखिए इस तरीके से इसके पास अब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला सल्फर क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये वाला जो है सल्फर इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसी तरीके से इससे भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यहीं पे स्टूडेंट्स इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये वाला सल्फर क्या करेगा, सिमिलरली हमारा ये वाला जो सल्फर है ये एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इससे लेकर के अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। और ये कंटिन्यू प्रोसेस स्टूडेंट्स हमारी क्या करती रहेगी, रिपीट करती रहेगी। यहाँ पे देखिए इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। सिमिलरली स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे भी ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देगा। फिर यहीं पे क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हमारा एक बनेगा स्ट्रक्चर। और लास्ट में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये हमारा ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर से ये इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो ये स्टूडेंट्स हमारे सल्फर का जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। और अगर हम लोग इसको स्टूडेंट्स जो है बॉन्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, सिंगल बॉन्ड को फॉर्म कर लेगा। तो ये स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स हमारा कुछ इस तरीके का हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले जैसे हम लोगों ने बनाया था वैसे बना दे रहे हैं, और यहाँ पे सबके बीच में क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है।
तो सल्फर का स्टूडेंट्स हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाएगा। सेट सेकंड पेज नंबर 68। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को नहीं पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड्स टू ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। तो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम लोगों से बोल रहा है कि कार्बन की ऐसी कौन सी दो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी वजह से जो कार्बन है वो ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें स्टूडेंट्स, तो फॉलोइंग आर द टू प्रॉपर्टीज बाय विच कार्बन लीड्स टू फॉर्म ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स विच आर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स, दैट इज टेट्रावेलेंसी। हमारे कार्बन की स्टूडेंट्स वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स की ये जो है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन के साथ क्या करता है बहुत सारे बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, कार्बन शो इट्स वैलेंसी 4, सो दिस लीड्स कार्बन टू मेक बॉन्ड्स विद क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड कार्बन एंड सो ऑन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, कार्बन की स्टूडेंट्स हमारे 4 वैलेंसी होती है, तो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कार्बन क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स को अटैच करेगा और ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेगा। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी स्टूडेंट्स, दैट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बाय फॉर्मिंग रिंग्स और चेन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जो हमारा एलिमेंट है क्या करता है बहुत सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है बाय फॉर्मिंग रिंग्स और चेन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारा कार्बन होता है इसकी सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे कार्बन के ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारा कार्बन है ये स्ट्रेट चेन की भी फॉर्मेशन करेगा, ब्रांच्ड चेन की भी फॉर्मेशन करेगा और रिंग्स की भी फॉर्मेशन करेगा। इन सभी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स की जो हमारा कार्बन होता है ये ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 3, सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को जो है साइक्लोपेंटेन का पहले फॉर्मूला बताना है और उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है। स्टूडेंट्स हमारे साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H10। तो साइक्लोपेंटेन स्टूडेंट्स आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। तो अगर हम लोग स्टूडेंट्स देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है स्टूडेंट्स तो इसकी आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो साइक्लो का मतलब क्या होता है, रिंग होता है। तो हमारे C5H10 का जो स्ट्रक्चर होगा इलेक्ट्रॉन डॉट ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर होगा। तो कार्बन को स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले अरेंज कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो कार्बन के हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे और हाइड्रोजन के स्टूडेंट्स हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हमारा एक हाइड्रोजन हो जाएगा, एक ही हाइड्रोजन हो जाएगा। सिमिलरली एक हाइड्रोजन ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक हाइड्रोजन ये हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा एक हाइड्रोजन इस तरीके से अटैच हो जाएगा, एक इस तरीके से अटैच हो जाएगा। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमारे हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, ये हमारे C5H10 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा। और अगर हम लोग इसको स्टूडेंट्स बॉन्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा और हर जगह पे क्या होगा स्टूडेंट्स, दो हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप हर जगह जो है दो हाइड्रोजन एटम को अटैच कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारे C5H10 का स्ट्रक्चर होगा। सेट थर्ड पेज नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हमारा जो इथेनॉल से इथेनोइक एसिड का जो कन्वर्जन होता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन एटम इज एडेड व्हेन वी कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। अब ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स क्योंकि ऑक्सीजन एटम का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है जब हम लोग इथेनॉल से इथेनोइक एसिड को कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग रिएक्शन को देखें तो हम लोगों के इथेनॉल के पास सिर्फ एक ही ऑक्सीजन एटम है लेकिन इथेनोइक एसिड के पास स्टूडेंट्स दो ऑक्सीजन के एटम है। तो स्टूडेंट्स हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टूडेंट्स आप लोगों के सिलेबस में इस बार नहीं है तो आप लोगों को इसको नहीं पढ़ना है। सेट 4 पेज नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन एथेनॉल एंड ए कार्बोजाइलिक एसिड। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि एक्सपेरिमेंटली हम लोग किस तरीके से एथेनॉल और कार्बोजाइलिक एसिड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई इथेनॉल एंड कार्बोजाइलिक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल टेस्ट। तो हम लोग बड़े आसानी से जो है स्टूडेंट्स एथेनॉल और कार्बोजाइलिक एसिड को जो है
केमिकल टेस्ट की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स एथेनॉल के केस में, तो एथेनॉल जब स्टूडेंट्स हमारा मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन वहीं पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग कार्बोजाइलिक एसिड की बात करें तो जब ये हमारे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये साल्ट की फॉर्मेशन करता है, वाटर की फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, अगर इसको स्टूडेंट्स हम लोग जो है लाइम वाटर से पास कराएंगे तो ये क्या करेगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करेगा जिसका कलर क्या होता है, मिल्की कलर होता है। तो हमारे बीकर में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, मिल्की कलर हम लोगों को दिखने लगेगा और बड़े आसानी से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारा क्या है, कार्बोजाइलिक एसिड है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग जो है एथेनॉल और कार्बोजाइलिक एसिड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा, सब्सटेंस विच आर केपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऐसे सब्सटेंस स्टूडेंट्स जो हमारे ऑक्सीजन को किसी भी दूसरे सब्सटेंस में क्या कर दें, ऐड करा दें, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। और अगर हम लोग इनके एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट होते हैं, ठीक है। सेट 5 जो कि स्टूडेंट्स हमारा पेज नंबर 76 पे है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर दोनों ही नहीं पढ़ना है, ये दोनों आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे 2021 के। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया, जो आपके सीबीएसई के 2021 बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से थे। तो अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, आप लोग वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स।